नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अंकिल एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट स्टोर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कल की वीडियो आपको खूब पसंद आई होगी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में सुशील सर के साथ मौजूद हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सुशील जी से आज के टॉपिक के बारे में सीख लेते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पिछली क्लास में दोस्त डिस्कस किया था, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्ल्ड ज्योग्राफी ली थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने पहला ही टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम बोलते क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का परिचय। और पृथ्वी के परिचय में हमने पढ़ा क्या था और कैसे क्या डिस्कस किया था, वो सभी पिछला व्यू लेंगे। फिर उसके बाद में फिर आगे से बिल्कुल सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। ये देखिए, पहले कल वाला डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत, और अगर मान लो फिर भी कोई डाउट रहता तो बताना दोस्त, ठीक है, कमेंट करना नीचे। आपके हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिचय, पृथ्वी का परिचय, पृथ्वी का परिचय। और हमने इसी के अंदर पढ़ना क्या क्या था, हमने इसके अंदर सबसे पहले ही डिस्कस किया था, इसके अंदर जो हमने पढ़ा था वो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटरनल, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर मान लो फिर भी इसमें कोई डाउट है तो उसे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर जो हमें आज डिस्कस करना है वो क्या रहेगा, हमारी अर्थ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म को कहा जाता है दोस्त ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, कि जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर ज्वालामुखी कैसे क्या फटता है, वो किस लेयर से चलता है, अगर वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमने बोला था कि हम जो पृथ्वी का परिचय करेंगे उसके अंदर हमें तीन चीजें डिस्कस करनी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दूसरा आज जो हम डिस्कस करने वाले वो क्या है, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। इसके अलावा जो आपका तीसरा टॉपिक जो इसी के अंदर रहता है वो रहेगा अर्थक्वेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप, ये हमें अभी डिस्कस करना है, अर्थ क्वेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप, भूकंप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वोल्केनिज्म। अगर मैं वोल्केनिज्म की बात करता हूं, आइए देख लेते हैं वो किस लेयर से और कैसे क्या स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बैक क्लास में आते हैं, जब हमने डिस्कस किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ा क्या था वो देखिए दोस्त। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या आपकी अर्थ, और आपकी अर्थ कितनी लेयर्स में डिवाइड थी, थ्री लेयर्स में, कितनी लेयर्स में डिवाइड थी, थ्री लेयर्स में। जो सबसे बाहरी वाली लेयर थी इसका नाम क्या था, क्रस्ट। जो सेकंड नंबर पे थी उसका नाम था मेंटल, और जो बिल्कुल बीचों बीच है इसका नाम क्या था, कोर। क्या नाम था, कोर। ये हम पढ़ चुके थे भाई, कैसे क्या क्वेश्चन बने हमने पढ़ा था, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसे दो आधार पे पढ़ा था, एक तो भौतिक आधार पे और दूसरा किसके आधार पे, रासायनिक आधार पे, वो हम डिस्कस कर चुके थे कैसे क्या आपके क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन फिजिकल, बेस्ड ऑन फिजिकल में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने हर लेयर्स को, यानी कि जो क्रस्ट वाली हो गई, मेंटल वाली हो गई और कोर वाली हो गई, उनको टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब वो देखो कैसे क्या किया था हमने, ये हो गई आपकी अर्थ, और अर्थ के अंदर से हमने टुकड़ा निकाला था और उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो सबसे ऊपर वाली लेयर इसका नाम वही है क्रस्ट, सेकंड का नाम क्या है, मेंटल, और थर्ड का नाम क्या है, कोर। हम ये सारे डिस्कस कर चुके थे। अगर देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं किसकी, भूकंप की,
तो याद रखना जो भूकंप होता है वो कभी भी कोर वाले पोर्शन से स्टार्ट नहीं होता, और नहीं स्टार्ट होता है कहां से, क्रस्ट वाली लेयर से। जो अर्थक्वेक आपकी अर्थ के अंदर आते हैं वो हमेशा किस लेयर से स्टार्ट होते हैं, मेंटल वाली लेयर से। यानी कि जो भूकंप है वो कहां से स्टार्ट होगा, मेंटल वाली लेयर से। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा, मेंटल वाली लेयर से। अब लेकिन बचा कौन सा दोस्त, जो हम आज फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेयर से स्टार्ट होता होगा ना, वो आपका स्टार्ट होता है क्रस्ट वाली लेयर से। अगर मैं क्रस्ट वाली लेयर की बात करता हूं, हमने जब बेस्ड ऑन फिजिकल पढ़ा था तो इसे टू पोर्शन में डिवाइड किया था। एक तो क्या हो गया था आपका आउटर क्रस्ट, और बीच में कौन सा बचा था, ये इनर क्रस्ट, बाह्य भूपरपट्टी और आंतरिक भूपरपट्टी, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो आउटर क्रस्ट है और जो इनर क्रस्ट है, इनके ना एक पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, नाम क्या वो सुनिए। अगर मैं बात करता हूं जो आउटर क्रस्ट है, इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, या इसे क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। लेकिन जो सेकंड है इनर क्रस्ट वाला भाग है, इसको हमने नाम क्या दिया वो देखिए, इसको हमने नाम दिया है एस्थेनोस्फीयर, 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 या फिर इसी को हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। और अगर मैं बात करता हूं जो आपके अर्थ के अंदर जो ज्वालामुखी देखने को मिलता है, यानी कि जो ज्वालामुखी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लेयर कौन सी रहती है, वो ये रहती है एस्थेनोस्फीयर। हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो इनर क्रस्ट होती है ये किसकी बनी होती है, सिंपल सी बात, किसकी बनी हुई थी, प्लास्टिक की, या फिर हमने यहीं पर डाला था कि यह बनी होती है सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड, मतलब प्रॉपर लिक्विड नहीं है, आधी आई है, सेमी लिक्विड, हमने यहां तक डिस्कस किया था। चलो अब आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या है वोल्केनिज्म, जो कहां से स्टार्ट होता है आपका, एस्थेनोस्फीयर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। लीजिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, हम आज सेकंड पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं इसी का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ का सेकंड पोर्शन। इसमें हमने पढ़ना क्या आज, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। अभी देखो हमने डिस्कस किया था क्या, लेयर्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूं जो आपके सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये लीजिए, केवल ऊपर वाली लेयर बना रहा हूं दोस्त आपकी अर्थ की, हमने डिस्कस किया था जो ऊपर वाली लेयर है इसका नाम क्या है, क्रस्ट। क्या नाम है, क्रस्ट, या हिंदी में इसे बोलते हैं भूपरपट्टी बोलते हैं। और इसे कितने पोर्शन में डिवाइड किया था हमने, टू पोर्शन में। और ऊपर वाली जो लेयर है इसको हमने नाम क्या दिया, इसको हमने नाम दिया था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल, क्या बोलते हैं, स्थलमंडल। और सेकंड अगर मैं बात करता हूं किसके, ये वाला, यानी कि जो इनर क्रस्ट है इसको हमने नाम दिया था एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ये है दोस्त आपका, टू लेयर्स में डिवाइड किया हमने किस कौन सी, क्रस्ट वाली लेयर को, जो ऊपर वाली है इसको नाम दिया लिथोस्फीयर, और जो उसके नीचे उसके उसको नाम दिया एस्थेनोस्फीयर। अगर मैं बात करता हूं, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जो इनर क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की, किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की, या फिर इसी को हमने नाम दिया था क्या, सेमी लिक्विड की बनी हुई है, सेमी लिक्विड, किसकी बनी हुई है, सेमी लिक्विड की।
अब सेमी लिक्विड या प्लास्टिक के क्यूब बनी हुई है, हमने ये भी डिस्कस किया था क्योंकि यहां पर प्रेशर इक्वल टू किसके होता है, टेम्परेचर के, दोनों इक्वल होते हैं प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। अब देखो होगा क्या दोस्त, यहां पे एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि टेम्परेचर हैवी हो जाएगा प्रेशर के ऊपर। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो सेमी लिक्विड यानी जो प्लास्टिक की फॉर्म जो बनी हुई है ये पिघल कर किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। ये प्लास्टिक पिघल के किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और ये लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आएगा यहां पर, इसको हम बोलेंगे मैग्मा। क्या बोलेंगे, मैग्मा। क्लियर होता दोस्त, यानी कि मैंने क्या बताया, यानी कि प्लास्टिक है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पिघल के किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता हम इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। अब देखो टेम्परेचर ज्यादा है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका, मैग्मा बन चुका। अब जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज होगा तो क्या होगी, साथ के साथ में गैसेस भी तो पैदा होंगी ना, भाप वगैरह वगैरह बन जाएगी। अब वो भाप क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हम घर में चाय वगैरह वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, जैसे कि पानी डाल दिया उबलना, उसके अंदर दूध डाल देते हैं, पत्ती वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, यानी कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। और वो गैस क्या करती है, प्रेशर लगाती है, आपने देखा वो ढक्कन है ना ऊपर उठ जाता है, जो वो होता है जिसमें चाय भी बना रहे हैं भाई कोई भी चीज, तो उससे ऊपर उठ जाता है। तो क्यों, क्योंकि नीचे से जो गैसें है वो क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। अब यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहां पे जो गैसें बनी हुई है वो क्या करेंगी, इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देंगी, प्रेशर लगाएंगी। और जैसे ही वो प्रेशर लगाएंगी, जो आपका लिथोस्फेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, सथल मंडल, इसका जहां पे भी वीक पॉइंट होगा, जहां से भी ये कमजोर होगी, वहीं से ये एक विस्फोट के साथ बाहर निकलेगी। यानी ये जो मैग्मा है वहीं से विस्फोट के साथ कहां पे निकलेगा, बाहर। और बाहर निकल के हमारी अर्थ के चारों तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अब जैसे ही देखो अंदर था तो इसे क्या बोला गया, मैग्मा, लेकिन जैसे ये बाहर आता है तो ये किसके टच में आता है, ऑक्सीजन के। हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो आपकी आउटर क्रस्ट है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। मैग्मा जैसे ही बाहर निकला तो ये किसके टच में आएगा, ऑक्सीजन के टच में आएगा। ऑक्सीजन के टच में जैसे ही मैग्मा आता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये किसके टच में आएगा, मैग्मा, ये टच में आएगा किसके, ऑक्सीजन के। और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि मैग्मा प्लस में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका सॉरी हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीकरण होते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर चेंज। अगर मैं मैग्मे की बात करता हूं, जब ये जमीन के अंदर होता है, इसका कलर होता है दोस्त रेड। कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। लेकिन जैसे ये बाहर निकला, ऑक्सीजन के टच में आया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, चेंज कलर हो जाता है इसका ब्लैक। इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे ही बाहर निकलता है, इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसे मैग्मा नहीं बोलते। जैसे इसका कलर चेंज होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, तो हम इसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा। यहां पे तो हमने क्या बोला, मैग्मा, यहां पे हमने क्या बोला, लावा। तो फर्क क्या है मैग्मे में और लावे में, ये चेंज कैसे क्या हुआ, आइए डिस्कस करते हैं यहां पे। और सबसे ज्यादा जरूरी दोस्त क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके सबसे ज्यादा, वो देखिए कैसे क्या। हमने दो टर्म लिखी यहां पे, एक तो क्या है मैग्मा, दूसरा कौन सा है, लावा। ये लीजिए, एक तो क्या है मैग्मा और दूसरा क्या है, लावा। अब डिफरेंस देखो है क्या, इनमें अंतर क्या है। एक तो मैंने क्या लिखा, मैग्मा, दूसरा क्या है, लावा। अगर मैं बात करता हूं दोस्त मैग्मे की, मैग्मा होता कहां पे है, जमीन के अंदर, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के टच में नहीं आता, ऑक्सीजन के टच में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या नहीं हो रहा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, याद रख लेना। इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होता मैग्मे का। लेकिन जैसे ही ये मैग्मा बाहर निकलता है, ऑक्सीजन के टच में आता है, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं लावे की बात करता हूं, लावे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑक्सीडेशन न होने के कारण इसका कलर कैसा होता है, न होने के कारण इसका कलर हो जाता है रेड। कलर कैसा रहता है, इसका रेड रहता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण इसका कलर हो जाता है ब्लैक।
कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। अब देखो होगा क्या दोस्त, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मैग्मा है जमीन के अंदर है और ये क्या है लावा जमीन के बाहर है। अब जैसे कि मान लो अगर लावे को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, हो सकता है भाई चारों तरफ से लेयर ना स्ट्रॉन्ग मिलती है, कोशिश करता बाहर नहीं निकल पाता, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, ये जमीन के अंदर ही रहेगा और जमीन के अंदर जब 400-500 साल के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये एक रॉक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? रॉक्स। मैग्मा ठंडा होने के बाद क्या बनाएगा? एक रॉक्स, एक चट्टान बनाएगा। और वो कौन सी रॉक्स होगी? ग्रेनाइट। कौन सी रॉक्स बनाएगा? ग्रेनाइट रॉक्स बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लावा बाहर है, अब ये भी ठंडा होने के बाद क्या बनाएगा? एक रॉक्स बनाएगा। और ये कौन सी रॉक्स बनाएगा? चट्टान। ये बनाएगा बेसाल्ट, बेसाल्टिक रॉक्स बनाएगा। कौन सी रॉक्स बनाएगा? बेसाल्टिक रॉक्स बनाएगा। अब देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं ग्रेनाइट चट्टान है, अब होगा क्या, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसका क्या होगा? एरोजन होगा। क्या होगा? एरोजन, यानी कि इसका क्षरण होगा, मतलब जो इसका पार्ट्स होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग कमजोर होता जाएगा और वो टूटकर एक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ग्रेनाइट है कलर कैसा है? रेड है। तो ये कौन सी मिट्टी बनाएगा? रेड मिट्टी। कैसी बनाएगा? रेड सोयल बनाएगा। कौन सी मिट्टी बनाएगा? रेड सोयल, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी बनाएगा। कैसी मिट्टी बनाएगा? लाल मिट्टी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? बेसाल्ट की। इसका भी क्या होगा? पार्ट्स टूटकर एक मिट्टी बनाएगा और वो कौन सी मिट्टी बनाएगा? ये बनाएगा। कलर कैसा? ब्लैक है। तो ये बनाएगा ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल, यानी कि काली मिट्टी बनाएगा। ये कैसी मिट्टी बनाएगा? काली मिट्टी। ये बनाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी बनाएगा। अब देखो यहां से आपके दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक तो अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि भाई लाल मिट्टी कैसे बनी, ब्लैक मिट्टी कैसे बनी, ठीक है, लाल और काली मिट्टी बनती कैसे है, तो सिंपल सी बात है, आपके सामने जो दिखाई दे रही है आपको दो मिट्टी, लाल और काली, तो उसके बनने का कारण कौन है? एक तो मैग्मा, दूसरा कौन? लावा। मैग्मे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता। लावे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के टच में आता है। ये इसका कलर कैसा होता है? रेड। लेकिन लावे की बात करता हूं कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। अब देखो होगा क्या, मैग्मा ठंडा होने के बाद एक रॉक्स बनाता है जिसका नाम क्या है? ग्रेनाइट रॉक्स। ऐसे ही अगर मैं लावे की बात करता हूं, ये ठंडा होने के बाद कौन सी रॉक्स बनाता है? बेसाल्ट रॉक्स। अब अगर आपसे पूछता है कि ग्रेनाइट रॉक्स किससे बनी है, तो मैग्मे से। अगर आपसे पूछता है बेसाल्ट रॉक्स किससे बनी है, तो किससे बनी है? लावे से बनी है। मालूम चला रॉक्स कैसे क्या बनी है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जब मिट्टी वाला टॉपिक कराया जाएगा वहां पे एक एक मिट्टी के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी मिट्टी कैसे क्या बनी है। अब यहां पे देखिए दोस्त, मैंने बताया जो ग्रेनाइट रॉक्स है ये टूटकर कौन सी मिट्टी बनाएगी? लाल मिट्टी। ऐसा ही जो बेसाल्ट रॉक्स है ये टूटकर कौन सी मिट्टी बनाएगी? काली मिट्टी बनाएगी। आई थिंक यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। लीजिए केवल इसे इरेज कर देता हूं, इसकी हमें आप जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ये लगा लीजिए जितने भी मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखवाए हैं ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना दोस्त। और अगर मान लो फिर भी कोई डाउट रहता है तो बार बार बोलता हूं नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा कि इस चीज में ये डाउट है तो वो क्लियर कीजिए, कराया जाएगा। और अगर मान लो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अब आगे देखिए, यहां पे अब तक हमने क्या कराया भाई? वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। अब तक क्या हुई है? ज्वालामुखी क्रिया। अब सिंपल से एक चीज देखो दोस्त, जब वोल्केनिज्म होता है ना तो ऐसा तो होगा नहीं भाई, नॉर्मल वोल्केनिज्म हो गया, आपने देखा भी होगा जब कहीं पे टीवी पे देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह वगैरह पे, कि भाई जब वो ज्वालामुखी फटता है ना तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। अब वो चीजें कौन कौन सी निकल के आती है वो देख लेते हैं। आपका ये क्या है? वोल्केनिज्म। क्या ये? वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म। अगर मैं ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनिज्म की बात करता हूं दोस्त, इसके अंदर से यानी कि जब ये ज्वालामुखी क्रिया होती है तो क्या निकलते हैं? कुछ मैटर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ पदार्थ। अब वो पदार्थ कैसे क्या निकलते हैं? जब ज्वालामुखी क्रिया होती है कुछ पदार्थ निकलते हैं, जिनमें से ज्यादा तो क्या होती है? गैसेस।
गैसें निकलती है कुछ, और कुछ क्या निकलते हैं, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, मटेरियल्स ये निकलते हैं, इसे बोलेंगे हिंदी में विखंडित पदार्थ। क्या बोलेंगे? विखंडित पदार्थ, विखंडित, विखंडित पदार्थ। और इसे क्या बोलेंगे भाई? सिंपल सी बात है, गैस ही बोलेंगे इसमें। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या आया, मैंने बताया ज्वालामुखी क्रिया के दौरान दो चीजें निकलती है, कुछ तो क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ निकलते हैं, और कुछ क्या निकलती है, गैसेज निकलती है। तो यहां से कैसे क्या क्वेश्चन आया वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आया है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है यहां से। तो ज्वालामुखी क्रिया होती है, कोई ना कोई गैस भी निकलती होगी, यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस निकलती है वो है H2O गैस, H2O गैस। H2O फॉर्मूला होता है किसका, जल का, मतलब होता क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, जो आसपास का जल होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर्स में। तो उसे हम क्या बोलेंगे, H2O गैस बोलेंगे। सबसे ज्यादा निकलती है लगभग कितने परसेंट, 65%, कितने परसेंट निकलती है ये, 65% निकलती है H2O गैस, यानी कि आप इसे बोल सकते हो हिंदी में जल वाष्प। हिंदी में क्या बोलेंगे, जल पानी है लेकिन वो किस फॉर्म में आ चुका है, वाष्प की फॉर्म में, जल वाष्प बोलेंगे, सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे क्या निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो सेकेंड नंबर पे निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद में कौन सी निकलती है, N2O जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद कौन सी निकलती है, इसके बाद अदर गैसेस आ जाती है दोस्त आपकी, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी निकलती है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती है और ये सीरीज में है। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो H2O गैस निकलती है, बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या रहेगा, CO2। अब जान लेते हैं इन गैसेस से कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमने साथ के साथ में डिस्कस क्या करना है, विखंडित पदार्थ के बारे में, कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसके साथ में क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ निकलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक ही आता है विखंडित पदार्थ से, वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अभी। विखंडित पदार्थ सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं वोल्केनिज्म में, मैंने बताया कि यहां से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, यानी कि विखंडित पदार्थ और गैसेस के बारे में पढ़ा है, तो यहीं पे देख लेते हैं। मैंने बताया कि इसके साथ में एक तो गैस निकलती है और गैस के साथ क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ, क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड मटेरियल। अब यहां पे देखो, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके ऊपर जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके ऊपर ना बिल्कुल धुआं धुआं सा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, धुआं धुआं सा। एक्चुअल में वो धुआं नहीं होता, एक्चुअल में होती क्या, वो होती है आग, जिसे हम बोलते हैं राख, वो क्या होती है, राख होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, राख निकलती है जब ज्वालामुखी क्रिया होती है। अगर मैं विखंडित पदार्थ की बात करता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, राख निकलती है। इसके बाद में क्या होता है, कुछ होते छोटे मोटे टूटे फूटे पदार्थ, यानी कि जो जमीन से निकले हैं, जो छोटे मोटे विखंडित पदार्थ होते हैं इनको हम बोलते हैं लेपली, क्या बोलते हैं, लेपली बोलते हैं। और आपका यही आता क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, लेपली, कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो छोटे मोटे विखंडित पदार्थ निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है, लेपली कहा जाता है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि छोटे मोटे ही निकलेंगे, बहुत जब ज्यादा जो पहाड़ टाइप निकलते हैं वो भी निकलते हैं, मतलब जो साइज में काफी बड़े होते हैं, साइज में काफी बड़े होते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पदार्थ निकले हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वोल्केनो बॉम्ब, वोल्केनो बॉम्ब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्केनो बॉम्ब। लेकिन आपका एग्जाम में बस ये आता है लेपली, कौन सा आता है, लेपली, कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो छोटे मोटे विखंडित पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लेपली कहा जाता है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉरी टॉपिक नहीं, ये कंसेप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो हमने पढ़ा पदार्थ निकलते हैं उनमें से पोर्शन है कि विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं, टूटे फूटे पदार्थ, तो उनमें से क्या क्या निकलती है, ज्यादा मात्रा में निकलती है राख, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या निकलता है, लेपली, छोटे मोटे जो पदार्थ होते हैं और जो साइज में काफी बड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वोल्केनो बॉम्ब कहा जाता है।
ये आई थिंक आपका कंप्लीट होता होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, हमने इसके साथ ही क्या पढ़ा था कि क्या निकलती है, कुछ गैसेज निकलती है, क्या निकलती है, कुछ गैसेज निकलती है। गैसेज में हमने सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पढ़ा है, H2O गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन सी निकलती है, CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरे नंबर पे कौन सी निकलती है, N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके साथ में कौन सी निकलती है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये निकलती है, सीरीज में है, आपका ये कंप्लीट होता है विखंडित पदार्थ। लेकिन बचा हुआ कौन सा, गैसेज। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गैसेज से बनता है। अब एक एक को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन बनता है यहां से। एक तो आपका पहला ही क्वेश्चन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, H2O गैस। अब डिस्कस करते हैं इन अदर गैसेज के बारे में कि इनका रोल क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं वोल्केनिज्म में। ये अब लीजिए, आगे देखिए दोस्त, देखिए मैंने आपको बताया कि गैसेज में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी निकल रही है, H2O गैस निकल रही है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सी निकल रही है, CO2। अब देखो CO2 गैस के बारे में देख लेते हैं कि कैसे क्या बनेगा आपका। जैसे ज्वालामुखी क्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी, CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आपने एक चीज सुनी होगी, अगर मैं बात करता हूं, एक शब्द सुना होगा जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या हिंदी में हम बोलते हैं वैश्विक ताप के बारे में सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, सबसे पहली बात तो यही, अगर मैं बात करता हूं जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, वैश्विक ताप को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है ना, वो किस गैस का होता है, CO2 गैस का होता है। अब देख लेते हैं एक बार ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। मैंने बताया कि जो CO2 गैस होती है ये किसको इंक्रीज करती है, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग को, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैश्विक ताप। क्या बोलते हैं इसे, वैश्विक ताप। अब देखो यहां पे ताप आ रहा है तो सिंपल बात है कि ये जुड़ी किससे है, टेम्परेचर से जुड़ी है। होता क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, अगर मैं आपकी अर्थ की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, आपकी अर्थ की, जो आपकी अर्थ है दोस्त, अगर आपके अर्थ की बात की जाए, आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो आपके अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना, आपके अर्थ के अंदर टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के अंदर या अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या लगता है। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन कैसे क्या आया है, अगर मैं बात करूं जो आपकी अर्थ है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, आपके जो अर्थ है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस आपके अर्थ का टेम्परेचर है। लेकिन आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन का यूज कर रही है कुछ कंट्री है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत सारे चार प्रोटोकॉल है जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। ग्लोबल वार्मिंग भी एक मुद्दा बना हुआ काफी ज्यादा, क्योंकि हमारी अर्थ का वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि अर्थ का टेम्परेचर कितना एवरेज, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग कितना हो चुका है ये, एट प्रेजेंट आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग, आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15.9 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, 15.9 डिग्री सेल्सियस हो चुका है आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग के। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना, और इसके बढ़ने में हेल्प कौन करती है, CO2 गैस करती है। इसके अलावा देखिए दोस्त कैसे क्या क्वेश्चन बनता है आपका, आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैस के बारे में, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस यूज होती है, आपका एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे, पॉली हाउस भी बोलते हैं, जैसे मान लो कोई खेत है और वो ना पॉलीथीन से ना कवर कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, ग्रीन हाउस कहलाता है। जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ सब्जियां या कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको उगाने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर मान लो वो टेम्परेचर हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाते,
उस टेम्परेचर को कवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा। अगर मान लो मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना है इसके अंदर किस गैस का यूज किया जाता है और ग्रीन हाउस के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ग्रीन हाउस का यूज कहां पे किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जिन हम गैसों का यूज करते हैं उसे याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी है, छोटी सी लाइन है, वो क्या है, वो है मीना का जलवा। मीना का जलवा, शराबी मूवी देखी होगी, मीना नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मी से अगर मैं बात करता हूं आपका क्या बनेगा, मिथेन। क्या बनेगा, मीथेन। जो मीथेन गैस होती है इसका यूज किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज में। इसके अलावा ना से क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा का से क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी गैस का यूज किया जाता है। लास्ट में क्या बचा, जल वाष्प यानी कि H2O गैस, इसका भी हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस गैस में। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे क्या आता है, क्वेश्चन आता है जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई है कि ये चारों गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और वहां पे बार बार है ना ऑक्सीजन ही डाल के देता है। तो याद रखना दोस्त, जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होती क्योंकि उसका यूज नहीं किया जाता टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यहां तक आपका क्लियर होता होगा, ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब देखिए और चीजें डिस्कस करते हैं। अभी कौन सा चला हुआ आपका, CO2 गैस के बारे में चला हुआ है जिसका हमने जाना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग में कितना हाथ होता है, कैसे क्या है CO2 के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या, हमारी अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग कितना हो चुका है, ये 15.9 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ये था आपके टेम्परेचर के बारे में। अब और चीज लीजिए, अगर मैं बात करता हूं सेकेंड नंबर पे कौन सी है भैया, N2O जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके बारे में देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या जिसे हम क्या बोलते हैं N2O, ये भी गैस निकलती है यहीं से। अगर मैं N2O गैस के बारे में बात करता हूं, ये गैसेस भी यहीं से निकलती है N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है नाइट्रस ऑक्साइड को लेकर, मैंने आपको बताया दोस्त जो H2O गैस है ये कितने परसेंट निकलती है, 65%, और ये कितने परसेंट निकलती है, ये 7-10% निकलती है जब ये क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए बात किसकी कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड की। आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, लाफिंग मतलब हास्य गैस, वो किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, हास्य गैस इसी को कहा जाता है, हास्य गैस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये, अगर मैं बात करता हूं आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर या इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत, ओजोन परत। अगर मैं ओजोन परत की बात करता हूं इसके डिफ्लेशन के बारे में कि जो ओजोन लेयर है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो खत्म होने से मेरा रीजन क्या, मतलब बात क्या है कि ओजोन लेयर के डिफ्लेशन में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है, N2O गैस का। N2O गैस क्या करती है, ओजोन लेयर का क्या कर रही है, डिफ्लेशन, इसको खत्म कर रही है। अब देखो इसको खत्म कर रही है ओजोन लेयर को, क्या कर रही है भैया, खत्म कर रही है, कौन सी, N2O गैस। अगर मैं ओजोन लेयर की ही बात करता हूं, ओजोन लेयर काम क्या करती है, जो ओजोन लेयर होती है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए ओजोन लेयर कैसे क्या और कहां पे कैसे क्या पाई जाती है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूं दोस्त, ये आपकी क्या भाई, अर्थ, ये आपके अर्थ है और ये आपके अर्थ का क्या है, सरफेस, आपके अर्थ का क्या हो गया, सरफेस हो गया। अगर मैं बात करता हूं, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आगे चल के पढ़ोगे आप, जिसका नाम होगा एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल।
अगर मैं वायुमंडल की बात करता हूं, उसके ऊपर जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसके अंदर क्या आती है? लेयर्स आती है। क्या आती है? लेयर्स आती है। वायुमंडल की क्या आती है? लेयर्स आती है। जैसे अगर मान लो हम सरफेस के सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे नियरेस्ट जो वायुमंडल लगता है, इसको हमने एक नाम दे रखा है, इसको नाम दे रखा है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जिसे हम बोलते हैं सौर मंडल। इसे हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल। इसके ठीक ऊपर जाता है दोस्त एक लेयर अलग से आती है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। जिसे हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल। अगर मैं बात करता हूं जो ओजोन लेयर है, ये आपके कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये आपके जो लेयर है ये कहां पे पाई जाती है? समताप मंडल में। ये लगा लीजिए ये आपकी क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ये आपके ओजोन लेयर है जो कहां पे पाए जाते हैं? समताप मंडल में। अब इसका काम क्या होता है? काम समझिए, ओजोन लेयर काम क्या करती है? फॉर्मूला भी पूछता है, इसका फॉर्मूला होता है O3। फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करता हूं ये क्या है भाई? सन भाई साहब, ये क्या है? सन। ये क्या है? सन। देखो होता क्या है, सन है, सन से क्या आती है भाई? लाइट आती है। क्या आती है? सन से लाइट आती है। अब जो लाइट होती है, लाइट के अंदर आपने सुना होगा अल्ट्रा वोलेट रे के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्राबैंगनी किरणें। अल्ट्रा वोलेट यानी कि यूवी से डिनोट करा दो, यूवी। अल्ट्रा वोलेट रे, अल्ट्रा वोलेट रे जो ऊपर से लाइट आती है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? प्राबैंगनी किरणों के बारे में, या जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वोलेट रे के बारे में। ये थ्री टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, थ्री टाइप्स आप ऐसे बना सकते हो, ए बी और सी। अल्ट्रा वोलेट ए, अल्ट्रा वोलेट बी और अल्ट्रा वोलेट सी। इनमें से जो सबसे खतरनाक होती है ना, वो सी वाली होती है। जो सी वाली होती है ये क्या बनाती है हमारी बॉडी के अंदर? अगर मान लो जो सी वाली होती है हमारी अर्थ तक, हमारी बॉडी तक ये पहुंच जाए, कौन सी? अल्ट्रा वोलेट सी। क्या है ये? रे पहुंच जाए तो जो हमारी बॉडी होगी वो एक कैंसर से ग्रस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कैंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर हो जाएगा भाई? स्किन कैंसर। तो अगर मैं बात करता हूं जो ये ओजोन लेयर है, इसका काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। और किस चीज से प्रोटेक्ट करती है वो? स्किन कैंसर से। किसे? स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। अब इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि स्किन कैंसर होता क्या है, कैसे क्या नहीं है, वो आपका साइंस वाला पोर्शन है। और जब यहाँ पे साइंस डिस्कस की जाएगी वहां पे आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो ये यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। कहां पे पाई जाती है, काम क्या करती है। अब इसके अलावा आपने एक शब्द और सुना होगा ओजोन होल के बारे में। ओजोन होल जिसे हम क्या बोलेंगे? ओजोन छिद्र। ओजोन होल या ओजोन छिद्र बोलते से। ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र होता क्या? ओजोन होल है क्या, वो समझिए पहले। अगर मैं ओजोन लेयर की बात करता हूं दोस्त, इसकी जो मोटाई होती है वो किसमें मापते हैं हम? डॉप्सन में। इसकी जो मोटाई होती है हम किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। किसमें मापते हैं? डॉप्सन। इसकी जो मोटाई होती है हम किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। इसकी जो मोटाई होती है किसमें मापते हैं? डॉप्सन। अगर मैं बात करता हूं जो आपकी ओजोन लेयर है इसकी मोटाई है कितनी? इसकी मोटाई है 220। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 220 डॉप्सन। मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा था कि ओजोन होल होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई कितनी है? 220 डॉप्सन है। जहां पे ओजोन लेयर की मोटाई 220 डॉप्सन से कम होगी वहीं पे क्या होगा? ओजोन होल होगा। और ये जो आपका पहली बार देखा गया था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे देखा गया था, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद में काफी सारे प्रोटोकॉल चलाए गए थे इसे ओजोन लेयर को भरने के लिए, तो जहां तक है ये मोस्टली कवर भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, ओजोन होल के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है दोस्त? वो यही है, कौन सी? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा अदर गैसेस भी है, वो अदर कौन कौन सी है वो समझ लीजिए। ओजोन होल के लिए जो जिम्मेदार गैस है, ओजोन होल
यानी कि डिफ्लेशन के लिए जो जिम्मेदार गैसेज है वो कौन कौन से है? एक तो आपके सामने लिखी हुई है, नाम क्या है, N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा और भी है जिसे हम बोलते हैं CFC, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी गैस और है जिसका नाम है हेलो, जिसका नाम क्या है, हेलो। ये तीन गैसेज होती है जो ओजोन लेयर के डिफ्लेशन में क्या करती है, भूमिका निभाती है, मतलब उसे खत्म करने का काम करती है, N2O, CFC और हेलो। अब आगे चल के देखते हैं, आपका ये वाला कंप्लीट होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और याद रख लेना। एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। आपका ये कंप्लीट होता है, कौन सी, N2O गैस। और यहीं से ऐसे क्वेश्चन उठा के देगा कुछ भी, जैसे कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, ओजोन होल क्या होता है, इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है, एडोप्शन, और ओजोन होल के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, ये आपके सामने तीनों लिखी हुई है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब चल के आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए गैसेस फिनिश कर चुके हैं, नहीं एक और बची हुई है, देख लेते हैं एक बार, इरेज कर हम देखिए, अगर डिस्कस करते हैं भाई आगे, आपके तीन गैसेस हो चुकी है, आपके लास्ट गैस बचती है वो कौन से, वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं आपके यानी कि वोल्केनिज्म के द्वारा जो गैस निकलती है वो ये भी निकलती है, जिसका नाम क्या है, SO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूं, सर रोकने, ये क्या भाई दूसरे नंबर पे, सॉरी ये जो लास्ट में जो गैस निकलती है इसका नाम है SO2, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहां पे जाएगी, इन्वायरमेंट ऊपर की तरफ जाएगी, और इन्वायरमेंट में क्या दोस्त, ऊपर आपके कलाउड, एनवायरमेंट में क्या भाई, आपके क्लाउड। और अगर मैं क्लाउड की बात करता हूं, जो बादल होते हैं, बादलों के अंदर क्या पाया जाता है, H2O वेपर्स, यानी कि H2O वेपर्स होते हैं भाई, नीचे पानी है, सनलाइट गिरी, टेम्परेचर हाई हुआ, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, H2O वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऊपर जाके क्या बनाते हैं, बादल। अब देखो यहां से गैस कौन सी निकली है, CO2 गैस निकली है, अब ये जाके किससे मिल जाएगी, क्लाउड से, बादल से मिल जाएगी, और बादलों में क्या भाई, जो क्लाउड है उसके अंदर पानी ऑलरेडी, तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएगी, यानी कि पानी H2O प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मिलकर बनाएंगे H2SO4, क्या बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे। और ये फॉर्मूला होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ये फॉर्मूला है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो यहां से पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, अगर मैं बात करता हूं जो घरों में बैटरीज होती है या जो कार बैटरीज होती है, उसके अंदर बैटरीज के अंदर कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है, तो वो कौन सा लिक्विड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं बैटरीज के अंदर। और आपका ये दिशापिटा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका यूज कहां पे किया जाता है, बैटरीज के अंदर, कहां पे यूज किया जाता है, जो बैटरीज होती है ना उसके अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा आगे देखिए कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कहां पे इंक्लूड हो गया है, आपके बादलों में, क्लाउड के अंदर है। अब ये अब होगा क्या, ऊपर से रेनफॉल हो गई, क्या होगी, रेनफॉल, वर्षा होगी, ऊपर से ये क्या हो गया, रेनफॉल, ये क्या हो गई भाई, रेनफॉल, वर्षा हो गई, क्या हो गया, रेनफॉल, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, वर्षा, वर्षा होगी। लेकिन ये वर्षा नॉर्मल वर्षा नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम इसे बोलेंगे एसिडिक रेन, कौन सी रेन बोलेंगे, एसिडिक रेन, यानी कि इसे हम बोलेंगे अम्लीय वर्षा, इसे हम कौन सी वर्षा बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, कौन सी वर्षा बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिडिक रेन बोलेंगे। अब देखो होगा क्या,
ये जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, ये काफी हार्मफुल होती है, मतलब भाई नुकसानदायक होती है। किन के लिए? जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जलीय जीव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा टर्टल के बारे में, टर्टल जिसे हम क्या बोलते हैं, कछुआ। टर्टल यानी कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, कछुए की। जो कछुआ होता है, आपने कछुआ देखा होगा दोस्त, और कछुए के ऊपर की वाली जो लेयर है देखा होगा ना, ऐसे होता है कछुआ जो होता है, इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है जो इसको सेफ्टी प्रदान करती है, ये जो लेयर होती है टर्टल की, ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं जो आपके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, आपकी जो बोन्स होती है, इसके अलावा जो ये लिखा है टर्टल, इसकी जो ऊपर वाली लेयर्स होती है, जो सीप देखी होंगी सागर के अंदर होती है, सीप वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो भी किसकी बनी होती है, इसी की, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अब यहां पे देखो होता क्या है, जैसे एसिडिक रेन होगी ये किसके ऊपर गिरेगी, टर्टल के ऊपर वाली लेयर के ऊपर गिरेगी। और अगर मैं बात करता हूं जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक रेन के अंदर। अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से आएगा, पानी के अंदर मिलेगा, तो सिंपल सी बात है जो टर्टल कछुआ है इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। अब फिनिश करने से होगा क्या, इसकी जान भी तो जाएगी, यहां पे क्या होगी, जीवों की हत्या होगी, यानी कि जो जलीय जीव है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इनके लिए क्या है, काफी हानिकारक है। इसके अलावा जिनके लिए ये हानिकारक है, कौन सी, एसिडिक रेन, वो किसके लिए, इसके लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, जो बिल्डिंग्स होती है भाई, और एग्जाम्पल में जो हर बार आपके एग्जाम में दिया है बिल्डिंग्स को लेकर, वो कौन सा दिया गया है, ताजमहल। अगर मैं बात करता हूं तो ताजमहल, यानी कि ताजमहल की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो ताजमहल है इसका दिन पे दिन जो ग्लो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन सी रेन है या कौन जिम्मेदार है, तो सिंपल सी बात है, कौन जिम्मेदार है, एसिडिक रेन या सल्फ्यूरिक एसिड जिम्मेदार है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आता है रेन के द्वारा और वो जो बिल्डिंग्स पे गिरता है, उनकी दीवारों पे गिरता है, तो उनके ग्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहां इन दोनों पे इफेक्ट डालता है कौन सी भाई, एसिडिक रेन। और यहां किसके कारण हुई है, ये हुई है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण, और जो कहां से निकली है, वोल्केनिज्म के द्वारा, जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो निकली है। तो देखो ऐसे सभी का कनेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, लिंक होती है, मतलब स्टार्टिंग कहां से, एंडिंग कहां पे, मतलब कोई भी चीज होती है उसके इफेक्ट यानी कि बेनिफिट और लॉस दोनों होती है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा कम कर रही है और नुकसान ज्यादा कर रही है। अब इसके अलावा देखिए दोस्त, ये आपका लगभग यहां तक कंप्लीट होता है, यानी कि हमने डिस्कस किया था क्या, विखंडित पदार्थ की, भाई जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसके दौरान दो चीजें निकलती है, एक तो विखंडित पदार्थ निकलते हैं, जहां से एक ही क्वेश्चन आता है लेपली को लेकर, कि छोटे मोटे जो विखंडित पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लेपली। इसके अलावा गैसेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हमने यहाँ पे एक एक गैस को काफी डीपली स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर मान लो फिर भी इसमें भी कोई डाउट है दोस्त, नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ले लीजिए। अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे कैसे क्या क्वेश्चन बने आपके, वापिस आते दोस्त टॉपिक पे। अगर मैं बात करता हूं ज्वालामुखी जब क्रिया होगी, हमने देखा भाई ये प्लास्टिक फॉर्म की बनी हुई थी, टेम्परेचर हाई हुआ, ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता है हम इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। मैग्मा का कलर कैसा होता है, रेड होता है। मैग्मा जैसे ही बाहर निकलता है ऑक्सीजन के टच में आता है और इसका कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, लावा। जो लावा होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ब्लैक। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने बताया कि ज्वालामुखी जो क्रिया होगी वो क्या करेगी, ऐसे मतलब विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, तो जिस रास्ते के द्वारा वो जमीन से होते हुए ऊपर तक आई है, ये जो पाइप होगी जिस रास्ते के द्वारा ये आई है, हम इसे क्या बोलेंगे, वोल्केनिक पाइप बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, वोल्केनिक, वोल्केनिक पाइप, यानी कि ज्वालामुखी पाइप बोलेंगे, मतलब जिसके द्वारा ये मैग्मा बाहर आया है। अब इसके बाद में होगा क्या, यहां पे जो होल बना है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, यहां पे जो होल बना है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रेटर। क्या बोलेंगे, क्रेट बोलेंगे, सी आर ए टी ई आर, क्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेटर। और अगर मैं बात करता हूं इस क्रेटर का साइज यदि बड़ा हो जाए तो हम इसे बोलते हैं कोल्डेरेला, कोल्डेरा। क्या बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं।
अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे क्या आया है, मैंने बताया कि ऊपर क्या होगी भाई, क्लाउड होंगे, क्या होंगे ये क्लाउड, और क्लाउड से क्या होगी रेनफॉल होगी, यानी कि वर्षा जब होगी तो सिंपल सी बात है जो वर्षा का पानी आएगा वो कहां पे गिरेगा, ये जो वर्षा का पानी है ये कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, इसमें जो क्रेटर होता है इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद ये क्या बनाएगा, एक झील बनाएगा, यानी कि क्रेटर में क्या इकट्ठा हो जाएगा, ये पानी इकट्ठा हो जाएगा और एक झील बनाएगा, झील यानी कि लेक बनाएगा, झील बनाएगा, और इस झील को क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वोल्केनिक झील, यानी कि वोल्केनिक वोल्केनिक लेक, ज्वालामुखी झील बोलते हैं उसे, ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी झील बोलते हैं उसे। और इसका एग्जांपल एग्जांपल इंडिया के अंदर एक ऐसी झील है जिसके ऊपर एक्सेप्शनल केस रहता है, एक्सेप्शनल कैसे है, कोई तो बोलता वो ज्वालामुखी झील है, कोई बोलता कि नहीं भाई वो उल्का पिंड के टकराने से बनी है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, महाराष्ट्र के अंदर कौन सी झील है, लोनार झील, लोनार झील, ये जो लोनार झील है इसको कहा जाता है कि ये कौन सी झील है, वोल्केनिक झील है, और इसी को कहा जाता है कि ये भाई एस्ट्रॉइड यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, उल्का पिंड के टकराने से एक गहरा खड्डा हो गया, फिर टाइम के अकॉर्डिंग रेनफॉल हुई और वो क्या हो गया, पानी से भर गया, और उसी से जो झील बनी है वो कौन सी कहलाएगी, उल्का पिंडीय झील कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अभी भी इसके ऊपर डाउट है, जैसे आप गूगल पे आप सर्च करोगे वहां पे दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन अगर मान लो प्रेफरेंस आपको देनी है ना तो यही देनी है लोनार झील पहले, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहां पे जाना है, ठीक है। यदि मान लो दोनों देगा तो हो सकता है तीसरा ऑप्शन एक और दे जिसमें लिखा होगा बोथ, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता, अभी तक हमने ना केवल एक्टिविटीज के बारे में जाना कि ज्वालामुखी के अंदर कैसे क्या क्रिया होती है, उसे किन किन चीजों का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वोल्केनिज्म, अभी ये बसता है यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्या बनते हैं यहाँ से, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि कैसे क्या क्वेश्चन बने हैं, और यहीं से दोस्त आपका क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है कि आपको ना एक डिफरेंट छाटना होता है, आपको चार झील के नाम देगा, या सॉरी चार ज्वालामुखी के क्या देगा, नाम देगा, चार ज्वालामुखी के नाम देगा और पूछ लेगा उनमें से अलग के कौन है। अब वो अलग कैसे क्या पूछता है वो देखिए, अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ वोल्केनिज्म या वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, जब हम ज्वालामुखी के प्रकार डिस्कस करते हैं दोस्त तो ये कितने प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, आपने सुना होगा एक्टिव जिसे हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं, सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जिस ज्वालामुखी के अंदर हर टाइम क्या होता रहता है, विस्फोट होता रहता है, वे सारे के सारे कहां पे आएंगे, एक्टिव वोल्केनो में आएंगे। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है डोरमेंट, दूसरा कौन सा है, डोरमेंट, जिसे हम बोलते हैं परसुप्त, मतलब जिसमें कभी आज से पहले या लगा लो 100 साल पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और अभी चांस है कि भाई किसी भी टाइम हो सकता है, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, डोरमेंट या परसुप्त बोलते हैं। आपका बच्चा आखिरी तीसरा जो आपका होता है वो होता है डेड, डेड, डेड यानी कि मृत, कैसा, मृत, मतलब जिसमें कभी आज से पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, अभी फ्यूचर में कोई चांस नहीं है होने के, मतलब फ्यूचर में भी चांस नहीं है होने के, तो वो किसमें काउंट होंगे, डेड में काउंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे आपके, मतलब एग्जांपल वही बात है भाई, मैंने बताया रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको चार ज्वालामुखी देगा, उनमें से क्या करेगा, तीन ज्वालामुखी दे देगा आपको एग्जांपल किसके, एक्टिव के, और एक आपको दे देगा किसका, डोरमेंट का, तो पूछ लेगा इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो सिंपल सी बात है तीन एक्टिव है और दूसरा कौन, जो लास्ट वाला होता है डोरमेंट, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, इसको, ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे ही अगर मान लो तीन आपको क्या दे देता है, डेड, तो आपका एक क्या देगा, डोरमेंट, तो डोरमेंट आपका अलग रहेगा, आपको डिफरेंट छाटना आता है। इसके अलावा देखो हाल फिलहाल जो लाइट, बिल्कुल लाइट में है क्वेश्चन, हाईलाइट में रहता है वो देखिए, अगर मैं एक्टिव वोल्केनिज्म की बात करता हूं दोस्त, एक्टिव वोल्केनिज्म की बात करता हूं, यहां से क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी,
विश्व का सबसे ऊंचा वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट वोल्केनिज्म एक्टिव वोल्केनिज्म एक्टिव वोल्केनो विश्व का सबसे ऊंचा स्क्रेज ज्वालामुखी है कौन सा? तो याद रखना दोस्त, विश्व का सबसे ऊंचा स्क्रेज ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो सालाडो। और इसकी जो हाइट है वो है 7000 मीटर, 7000 मीटर ऊंचा है ये, जिसका नाम क्या है ओजस डेल सालाडो। अब देखो इसकी लोकेशन बताता हूँ, हाल फिलहाल यही हाईलाइट है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करा। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ओजस डेल सालाडो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्क्रेज ज्वालामुखी है, ये एक्चुअल में है कहां पे वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं आपका ये पड़ता है भाई कुछ इस प्रकार, ये लीजिए, ये आपका दोस्त साउथ अमेरिका, ये आपका क्या है साउथ अमेरिका है। अगर मैं बात करता हूं इस तरफ एक कंट्री पड़ती है ये वाली, और एक इस तरफ कंट्री पड़ती है, दो कंट्रीज है यहां पे देखिए। अगर मैं बात करता हूं इस तरफ जो कंट्री पड़ती है इसका नाम है अर्जेंटीना, क्या नाम है अर्जेंटीना, और इस तरफ जो कंट्री पड़ती है इसका नाम है चिली, क्या नाम है चिली। और अगर मैं बात करता हूं ओजस डेल सालाडो जो कि क्या है विश्व का सबसे ऊंचा स्क्रेज ज्वालामुखी है, ये इन दोनों की बाउंड्री पे है, ये रहा भाई, ये है आपका ओजस डेल सालाडो। लोकेशन क्या, नॉर्थ अमेरिका, और कहां पे है अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पे है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं ठीक है, और जहां तक है काम कर लेना, आपके पास जो भी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट हो वहां पे आपको करना क्या है क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और जहां तक है दोस्त आपके लिए ये लगा लो जिस लेवल का आप सोच रहे हो ना उससे कहीं ना कहीं गुना कई गुना ज्यादा अच्छा लेवल का कराया जा रहा है यहाँ पे, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे जिसका नाम क्या है वोल्केनो। अब अगर मैं बात करता हूँ अभी बाकी कुछ आपके एग्जाम रिगार्डिंग कुछ सर अंतिल सर आपसे ना डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ अंतिल सर को। सर धन्यवाद, आज बहुत ही अच्छा पढ़ाया सुशील जी ने, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह से आपको पसंद आएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी जॉब हाइलाइट्स के बारे में, तो सबसे पहली जो आज जॉब आई है वो हिमाचल प्रदेश रोडवेज में ड्राइवर की पोस्ट आई है जो 400 पोस्ट है, और SBI में क्लर्क की जो है वैकेंसी आई है जहां पर 8000 पोस्ट निकली हैं। इसके साथ ही NMDC में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली हैं, और DSSB में PGT टीचर की वैकेंसी आई हैं, 834 वैकेंसी आई हैं टोटल हैं। PNB में मैनेजर की पोस्ट आई हैं और ये 12 पोस्ट हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, और इन सभी वैकेंसी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।